कक्षा 8 इकाई 3 मत बांटो इंसान को। इस काव्य के कवि है विनय महाजन। हमने देखा कि इस कविता में महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस काव्य में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट हैं। चलिए आज इस काव्य के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें 3 प्रश्न है। पहला है, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिख के बताऊंगा। दूसरा और तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? काव्य में हमने देखा है कि मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर ने बांट लिया इंसान को। अलग अलग धर्म ने ईश्वर को बांट लिया है। तीसरा प्रश्न है, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? क्या करने से चट्टानों की प्यास बुझ सकती है, ये आपको लिखना है। दूसरा और तीसरा प्रश्न मैं यहाँ पे उत्तर नहीं दूंगा, आपको खुद लिखना है। पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, इंसान को बांटना मतलब धर्म, जाति, ऊंच नीच जैसे भेदभावों से इंसानों के बीच भेद पैदा करना, जिससे मनुष्य खुद को दूसरों से भिन्न मानने लगे और समानता की भावना ही न रहे। दूसरा प्रश्न है, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए, जो हमने YouTube में जो लिंक मैंने भेजी थी उसमें हम जो कंप्यूटर लैब में काव्य देखते हैं वही होता है, तो उसमें आपने गान भी कर लिया होगा और सुनना भी होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, समता और समानता का भाव सब में जगाने की शुरुआत अभी हुई है, जिसकी मंजिल तो बहुत ही दूर है। हमारा लक्ष्य तो सब में समानता की भावना पैदा करना है। अमीरों के महलों में ही बिजली के दिए जलते हैं, गरीबों को तो अभी भी तेल के दीपक ही जलाने पड़ते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न भी प्रश्नों के उत्तर लिखिए ऐसा है। 5 प्रश्न हैं, जिनमें से 3 के उत्तर मैं लिख के आपको बताऊंगा। पहले हम 5ों प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? दूसरा, किसकी मुस्कान को कोई रोन नहीं पाएगा? तीसरा, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? चौथा, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? और अंतिम 5वां, यह कविता में हमें क्या
और पांचवा, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तीन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? उसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर का बंटवारा हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर है, यह कविता हमें दुनिया के सभी लोगों को हर प्रकार के भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर रहने की सीख देती है। हर एक मनुष्य में समानता की भावना पैदा हो, यह सीख देती है। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, बंदी बनाना मतलब अपने पास रखना। कोई भी आदमी किसी भी प्राणी को अपने पास रखता है तो उसे हम कहते हैं उसने बंदी बना लिया है। आज बिजली की रोशनी धनवानों के घर माने मोहल्ले में दिखाई देती है और झोपड़ी में तो आज भी दिया ही जलता है, अर्थात अमीर गरीब के भेद आज भी है। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरिजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास और बंदी। हम जानते हैं कि जब भी शब्दकोश के क्रम में शब्दों को लिखना होता है तो पहले स्वर आते हैं और उसके बाद व्यंजन आते हैं। यहाँ पे चार शब्द है स्वर के साथ शुरुआत करने वाले, आंगन, इंसान, उदास और ऊपर। सबसे पहला आंगन है, उसके बाद इंसान, उदास और ऊपर, उसके बाद आएगा गिरिजाघर और घाटी, बाद में चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और अंत में सागर। यहाँ पे देखिए, दोनों ही म से शुरू होने वाले शब्द हैं, लेकिन हम जानते हैं हिंदी भाषा में पहला शब्द अनुस्वार वाला आएगा और दूसरा शब्द अनुस्वार के बिना आएगा। तो मंजिल में अनुस्वार है इसलिए वो पहले आएगा, मुस्कान उसके बाद आएगा। प्रश्न तीन है, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। पहले तो समझ लेते हैं संयुक्त परिवार और एकल परिवार क्या है। जब एक परिवार बनता है पति पत्नी और उनके बच्चों से, उस परिवार के साथ उनके माता पिता रहते हैं, पति पत्नी के माता पिता रहते हैं, उनके भाई और उनका परिवार रहता है, उनकी बहन रहती है, मतलब तीन चार परिवार साथ में रहते हैं तब संयुक्त परिवार बनता है। एकल परिवार में सब साथ में नहीं रहते, घर में एक ही परिवार रहता है, पति पत्नी और बच्चे। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, काका, चाचा, चाची, उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं। आपको लिखना ये है, एकल परिवार और
संयुक्त परिवार में से आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है वो आपको लिखना है। प्रश्न चार है, अपूर्ण काव्यों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दो पंक्ति दी गई है, बाकी आपको खुद लिखनी है और काव्य पूर्ण करना है। एक पंक्ति काव्य की दी गई है और बाकी आपको काव्य पूर्ण करना है। आप इसमें एक पंक्ति भी जोड़ सकते हैं और कई सारी पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। पहली दो जो लाइन है वो दी गई है, रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। बाकी जो पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी गई हो वो मैंने खुद जोड़ी हुई है। दिन प्रतिदिन मैं बदलता, बच्चों का मैं मामा कहलाता, चंदा मामा हम लोग कहते हैं। सबके मन को बहलाता, कभी धरती के पास तो कभी दूर रहता। देखो इनकी शान निराली, सूरत है भोली भाली। रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। इस प्रकार से हमें काव्य पूर्ण करना है। अंत में आपको प्रकल्प कार्य माने प्रोजेक्ट वर्क करना है। राष्ट्रीय एकता के गीतों का संग्रह करना है। भारत के मानचित्र में से निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। कौन-कौन सा स्थल आपको ढूंढना है? जामा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, उदवाड़ा, माउंट मेरी चर्च, मुंबई। तीसरा प्रोजेक्ट वर्क है, कक्षा 7 का काव्य हिंद देश के निवासी का अभिनय सहित गान करवाइए। जो भी प्रोजेक्ट आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। तीनों प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी काम आप करो उनके फोटोग्राफ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना।